नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ज्वेलरी पीसेस शेयर कर रही हूं। ये सभी ज्वेलरी पीसेस मैंने एवर स्टाइलिश एक साइट है उससे मंगाई हैं। उस साइट का लिंक मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और जो भी प्रोडक्ट आज मैं आप लोगों के साथ ज्वेलरी पीस के शेयर करूंगी वो भी मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगी। तो ये जो है ये ज्वेलरी जो इस तरह के बॉक्स में आई है, ये इसका एवर स्टाइलिश का लोगो है, इस तरह का है। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में। और इसके ऊपर ये पॉलिथीन में बहुत अच्छे से पैक होके आया था। ये कार्डबोर्ड का बॉक्स है, इसमें ऊपर इस तरह से स्पंज लगा है, नीचे भी स्पंज लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एवर स्टाइलिश ज्वेलरी हॉल। तो फर्स्ट है ये, गोल्डन कलर का और पर्ल का इस तरह का ये नेकलेस है। इसमें ये इस तरह से जिगजैग पैटर्न में लगी हैं, ये पर्ल जो लगी हैं इस तरह से लगी हैं। और आगे इसमें ये इस तरह से लगी है। इसको आप लोगों ने मुझे पहले भी मेरे वीडियो में पहने देखा होगा। पहन के बहुत सुंदर लगता है, बड़ा डेलिकेट सा है, बहुत सुंदर लगता है। और इस नेक पीस को आप अपने एथनिक वेयर के साथ भी पहन सकते हैं और वेस्टर्न वेयर के साथ भी पहन सकते हैं। बहुत सुंदर है, डेलिकेट सा है। इसमें ये इस तरह का हुक लगा है और इस तरफ ये चेन है जिससे कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है इस तरह से पहन के, देखने में बहुत सुंदर सा लगता है पहन के, इस तरह से लगेगा। तो फर्स्ट था ये नेक पीस। सेकेंड है ये इयररिंग है, इयररिंग्स है ये। ये भी गोल्डन और पर्ल की है। इसमें ऊपर देखिए ये पर्ल लगा है और पीछे एक यहाँ पे गोल्डन कलर का हुक लगा है। इसके नीचे ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर में देखिए इस तरह से पर्ल लगे हैं छोटे छोटे। बहुत अच्छा लगता है पहन के ये भी। इसको भी आप अपने एथनिक वेयर के साथ भी पहन सकते हैं, वेस्टर्न वेयर के साथ भी पहन सकते हैं। जीन्स टॉप में भी आप अगर पहने या आप गाउन पहन रहे हैं उसमें भी आपको अच्छा लगेगा। और आप वो जो पहले मैंने दिखाया था मोती वाला नेकलेस उसके साथ अगर इसको पेयर करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो ये इस तरह से है ये पर्ल की ये इयररिंग इस तरह से। तो सेकंड था ये इस तरह के पैकेट के अंदर आई थी। नेक्स्ट है ये भी इयररिंग का सेट है, बॉल इयररिंग कहलाती है ये इस तरह की है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्लैक कलर की बॉल लगी है और इसके पीछे इसमें ये पहनने के लिए लगा है, ये इस तरह से अलग हो जाता है। और एक बड़ी बॉल है जिसको कि आपको नीचे इसमें यहाँ पे मेटल में होल जैसा बना हुआ है तो इसको यहाँ लगाना है आपको। इस तरह से ये और फिर आप ये जो यहाँ पे पेच लगा है इसमें इसको फंसा के इस तरह से पहने। तो ये छोटी वाली बॉल जो है ये ऊपर तरफ आएगी और बड़ी वाली ये यहाँ पे इस तरह से।
बहुत सुंदर लगता है पहन के। इसमें ये ऊपर बॉल लगी है, ये अंदर शायद इसमें पर्ल है बड़ी, और ऊपर से ये शनील का जैसे होता है ना उस तरह का कुछ ऊपर से मढ़ा हुआ है कपड़ा जैसा, और ये गोल्डन कलर का एक स्टैंड जैसा है। बहुत अच्छा लगता है ये पहन के इस तरह से, इस तरह से। इसको भी आप अपने एथनिक वेयर के साथ भी पेयर कर सकते हैं, वेस्टर्न वेयर के साथ भी, बहुत सुंदर लगता है। ये इस तरह से दो का सेट है, एक छोटी है बॉल, ये बॉल एयरिंग ही है, बैक बॉल एयरिंग, और ये इस तरह से स्टैंड है। इसमें ये बड़े वाले को आप यहाँ से निकाल के नीचे फिक्स कर लीजिए और इसको इस तरह से पहनिए। तो ये थी इयररिंग। इसके बाद ये झुमका है, मल्टी कलर झुमका, ये इस तरह का झुमका है। इस तरह का झुमका है, बड़ा डेलिकेट सा। अच्छा, पूरी ज्वेलरी जो है बहुत लाइट वेट की है, देख के आपको लगेगा पर बहुत ही ज्यादा हल्का है। ये भी इतना ज्यादा, बहुत बहुत लाइट वेट है ये। तो इसमें ऊपर देखिए इस तरह से ये स्टोन लगे हैं, येलो कलर के, ग्रीन कलर के, फिर यहाँ से ये गोल्ड की डिजाइन बनी हुई है। यहाँ पे एक इस तरह का फ्लावर जैसा बना है, इसमें बगल में ये पर्ल लगे हैं, बीच में ये ग्रीन कलर का नग लगा है, फिर यहाँ पे छोटे छोटे हुक लगे हैं, उसमें ये मोती लगे हुए हैं, लटकन जैसे लटके हुए हैं। नीचे ये छोटी सी झुमकी है गोल्ड कलर की, और इसमें भी नीचे ये हुक लगे हैं, और इसमें ये रिंग लगी है, उसमें ये इस तरह से पर्ल लगे हैं, इस तरह से। बहुत सुंदर लगता है पहन के। इसको भी आप अपनी साड़ी के साथ या कुछ फंक्शन हो तो कुर्ती के साथ पेयर कर सकते हैं आप, अनारकली कुर्ती के साथ, या थोड़ा सा कुछ वर्क वाली कुर्ती हो, कोई फंक्शन हो छोटा मोटा, तो उसमें वो कुर्ती के साथ भी पेयर कर सकते हैं। नहीं तो आप अपनी शिफॉन विफॉन की साड़ी के साथ पेयर करेंगे तो बहुत सुंदर डेलिकेट सा लगेगा। और अगर अगर इस नेक में आप एक पतली सी चेन पहन लेंगे तो ही बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि ये काफी बड़ा है और एकदम लाइट वेट है, पहन के सुंदर लगेगा इस तरह से। तो ये था झुमकी। एक और इयररिंग है, ये भी गोल्ड कलर की है, इस तरह की स्टेटमेंट इयररिंग है। सॉरी, पेच नहीं लग रहा है इसका, ये इस तरह की है। देखिए ये ऊपर ऐसे राउंड बना है, इसमें ये बीच में एक बड़ा सा नग लगा है, और उसके चारों तरफ ये छोटे छोटे नग लगे हैं, और नीचे ये गोल्ड की चेन लगी है। एक ये चेन इतनी लंबी है, दो यहाँ तक की हैं, और फिर ये दो इतनी छोटी हैं, तो ये अलग अलग साइज की ऐसी चेन है, डेकलर जैसा है ये, इस तरह से। इसको भी आप अब साड़ी के साथ पहनिए या कुर्ती के साथ तो बहुत सुंदर लगेगा, इस तरह से पहन के लगेगा, बड़ा सुंदर सा लगेगा, डेलिकेट सा। और स्टेटमेंट हेयरिंग है तो इसके साथ आप नेक में अगर नहीं पहनेंगे तो भी अच्छा लगेगा, अगर आप पहनिए तो बहुत पतली सी एक छोटी सी चेन पहनिए तो ये अच्छा लगेगा। ये भी साड़ी के साथ, कुर्ती के साथ, सबके साथ पहन सकते हैं। ये इस तरह का बहुत प्यारा लगता है ये भी। ये आगे मैं जो है सब आपको किसी भी ना किसी वीडियो में पहन के दिखाऊंगी जरूर, कैसा लगता है पहन के। लास्ट है ये लेयर्ड चेन है, इस तरह की लेयर चेन है, बहुत
बहुत लाइट वेट की है, आपको देख के लग रहा होगा हैवी है। इसमें ये अंदर जो है ये छोटी है, इस तरह की कड़ी कड़ी लगी हैं जो एक दूसरे से फंसी हुई है। गोल्डन कलर की चेन है और इसके साथ ये एक पतली सी चेन अटैच है, जिसमें नीचे ये हार्ट शेप का लॉकेट लगा है। और इसमें इस तरह का हुक लगा है, ये इस तरह का, और इस तरफ चेन है जिससे कि आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये पहन के बहुत सुंदर लगती है। इसको भी आप अपने मतलब कुर्तियों के साथ भी पहन सकते हैं, वेस्टर्न वेयर के साथ भी पहन सकते हैं। पहन के बहुत सुंदर लगता है ये, इस तरह से छोटा भी कर सकते हैं और अगर वी नेक है तो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। पहन के बहुत सुंदर लगता है इस तरह से। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का एवर स्टाइलिश ज्वेलरी हॉल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मैंने जो भी ज्वेलरी पीस सेलेक्ट किए हैं वो पसंद आए होंगे और मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और आप लोगों को अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरह से और अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूंगी आप लोगों के सामने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।